हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी ने, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैन कहीं अपने अप्लाई करवाया होगा, नया पैन बनवाया होगा, या तो अपने पैन कार्ड में किसी तरह का अगर सुधार करवाए होंगे तो आप सभी लोगों ने क्या कर किया होगा कि मतलब पैन कार्ड को स्थिति जानने के लिए यानी स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैफे चले जाते हैं कि जहाँ से अप्लाई करवाए थे वहीं जाकर हम अपना पैन कार्ड का स्थिति जान सकें कि मेरा पैन कार्ड बना या नहीं, या पैन कार्ड जो करेक्शन मैंने करवाया था या न्यू बनवाया था वो सक्सेस हुआ कि नहीं है। ठीक है, साथ में मुझे पैन नंबर मिला कि नहीं मिला, इन सभी का काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को टेंशन हो जाता है कि हम कैसे चेक कर पाएँ कि मेरा पैन कार्ड बना या नहीं बना, या सक्सेस हो पाया कि नहीं हो पाया, मेरे मेल पर आया कि नहीं आया है, और मेल पर आएगा तो कब आएगा, मेरा घर पर पोस्ट ऑफिस पर कब आएगा, उन सभी के लेकर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि उस स्थिति में आप कैफे चले जाते हैं जहाँ अप्लाई करवाते थे वहाँ चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, वहाँ नहीं जाना है अब। ठीक है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप अपने स्मार्टफोन से आप खुद से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करना है अपने पैन कार्ड के स्टेटस को कि आपको कहाँ तक पहुँचा है, किस स्थिति में है और कौन सा पोजीशन में आपका पैन है। तो चलिए, आपको सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप मोबाइल के क्रोम ब्राउजर भी ओपन कर सकते हैं या तो लैपटॉप सिस्टम जो भी होगा उससे आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, आप क्रोम ब्राउजर में ओपन कीजिएगा यूटीआई पैन ट्रैक, इस तरह से आपको आएगा, यहाँ पर यूटीआई पैन ट्रैक लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा, जो आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ पैन ट्रैक, यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया गया क्या क्या आपको फिलअप करना है, जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन या कूपन नंबर भरना होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन करना है, और इसके बाद ये वाला कैप्चा जो दिख रहा है ना, ये वाला में भरिएगा, इसके बाद सर्च पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको इस तरह से फिलअप कर लेना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना रिसीविंग, इस वाला रिसीविंग में यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा इस तरह से। ठीक है, और इस बात यहाँ पर ये फिलअप कीजिएगा, इस पर डेट ऑफ बर्थ जो आपको डाला हुआ है जो रिसीविंग पर है वही डालिएगा। इसके बाद कैप्चा इस तरह से डालने के बाद सर्च पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर टाइप क्या है, जैसे न्यू पैन कार्ड यहाँ 49A यानी समझिए कि न्यू बना है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ भी है न्यू पैन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कार्ड का नाम कुछ यहाँ पर दिखाएगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टेटस में लिखा योर एप्लीकेशन प्रोसीड सक्सेसफुल, पैन इज अलॉटेड, कार्ड इज अंडर प्रिंटिंग, योर पैन ई पैन विल बी जनरेटेड एंड सेंड योर रजिस्टर ईमेल आईडी। जो ये वाला रजिस्टर ईमेल आईडी है ना, इसमें शॉर्टली यानी जल्द ही भेजा जाएगा, यानी कि उम्मीद है कि आपको 2 से 4 घंटा के अंदर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पैन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पैन नंबर यहाँ पर ON से स्टार्टिंग है और लास्टिंग 0G से है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नया बना है तो, और जब पैन मेल पर चल जाता है तो किस तरह से होता है, मेल पर जब चल जाएगा ना तो यहाँ पर आपको केवल डेट दिखा जाएगा, यहाँ पर जो शॉर्टली लिखा है ना इसके बीच में यहाँ पर डेट लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पैन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैन बना है कि नहीं बना है। अब रही बात NSDL का, तो NSDL के आपको सर्च करना है NSDL पैन ट्रैक, इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर सर्च कीजिए, यहाँ पर पैन न्यू चेंज या रिक्वेस्ट, अगर मान लीजिए सुधार करवाए हैं या नया बनाया है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में डालिएगा, इस तरह से सबमिट कर लीजिएगा। आपको दिखा देगा क्या आपको दिखाया गया, मेरे पास यहाँ पर NSDL का नहीं है इसकी वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आपका होगा तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर UTI के मेरे पास है तो यहाँ पर UTI के मैंने आपको दिखाया, इस तरह से आप अपना सारा डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुधार हो या तो नया बनाया हो सबका यहाँ पर दिखा देगा, अगर नया बनाया तो यहाँ पर न्यू यहाँ पैन लिखेगा, अगर सुधार वाला हुआ यहाँ पर चेंज एंड न्यू चेंज, और यहाँ पर CSF लिखेगा इस तरह से। तो इस तरह से अपना चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा।